जय श्री राम दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। अगर मंदिर दर्शन हो गए आज तो आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन करवाएंगे हम। तो चलो चलते हैं। जय जय श्री राम। तो ये देखो कितनी भीड़ लगी है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये सिक्योरिटी वाले रोक रहे हैं। तो सारे रास्ते बने हैं अभी। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, पूरे भक्तों की भीड़ लग रखी है और हर जगह पे भजन बज रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पे लग रखा है भंडारा। अभी हम जा रहे हैं भंडारा खाने, ग्रहण करेंगे। ये देखो तो खाना ले लिया, सब्जी पूड़ी और ये बूंदी। ये देख सकते हो आप, जो एसपीजी एनएसजी कमांडोज आते हैं वो गाड़ियां हैं। ये देखो कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे अभी भी। और ये देख सकते हो कितनी फोर्स लगी है यहाँ पे, ये चारों तरफ फोर्स ही फोर्स है अभी। ये देखो सिक्योरिटी और क्राउड, मंदिर के सामने इतनी फोर्स लगी है यहाँ पे। ये और भीड़ देखो, बहुत ही मुश्किल हो रहा है दर्शन करना यहाँ पे। ये देख सकते हो कितनी लंबी लाइनें लगी हैं किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर हम अभी लगेंगे कम से कम 2-3 घंटे बाद हमारा नंबर आएगा दर्शन करने का। ये है पूरी लाइन और यहाँ से देखोगे। ये देखो ऊपर जा रहा है योगी जी का हेलीकॉप्टर। देखो जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्तों की भीड़ और सब लगा रहे जय जय श्री राम के नारे। जय श्री राम। और ये लाइन करीब 1-2 किलोमीटर लंबी है। जय श्री राम। ये देखो उत्साह और जोश के साथ सब लगा रहे हैं श्री राम जी के नारे। ये देख सकते हो इस बीच योगी जी का हेलीकॉप्टर भी आ गया। ये जय श्री राम। साइड से दिख रहे, मतलब कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे बट आंखों से वो दिखाई दे रहे हैं। हाई करते हुए निकल गए। मैं अभी पहुंचा हूँ अयोध्या मंदिर के पास में और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है। मैं पंचवटी में रुका था और पंचवटी से पैदल चल के नंगे पैर यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैंने देखा भक्तों की इतनी लंबी लाइन लगी है। अभी मैं जाके लाइन पे लगूंगा, कम से कम 3-4 घंटे बाद हमारा नंबर आएगा। ये देखो जय श्री राम, एक गेट यहाँ से भी है बट दर्शन यहाँ से नहीं हो रहे, आगे के गेट से हो रहे हैं। जय जय श्री राम। फाइनली हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया, हमने फाइनली मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया। ये देखो यहाँ भी भीड़ ही भीड़ है और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। ये देख सकते हो आप लोग, ये है मंदिर का परिसर पूरा है।
ये इतनी लाइन लगी है यहाँ पे बहुत सारी, और पूरा सजा रखा है, हर पिलर पे कैमरे और फूलों की माला लगाई रखी है। ये देखो भक्तों से ज़्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि आज है 23 तारीख, तो 23 तारीख को हम शाम के टाइम दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर के, और वो सामने दिख रहा है आपको राम मंदिर ये, और ये देखो भीड़ ये, सिक्योरिटी फुल सिक्योरिटी ये। तो ये देख सकते हो कितनी बड़ी फोर्स लगी है यहाँ पे, ये पूरी फोर्स ही फोर्स लगी है हर जगह पे, लोग भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि आज दर्शन करने ही है, क्योंकि 23 तारीख है आज। मंदिर वाले सीधे जाओ। देख सकते हो कितनी भीड़ है यार, इस भीड़ में दर्शन करना एक अपने आप में टास्क भी है। ये देखो भीड़ ही भीड़, जितने भक्त दिख रहे उससे ज्यादा कहीं सिक्योरिटी है। जय श्री राम। चप्पल जूते यहीं पे उतारने पड़ रहे हैं और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये देखो तो कुछ ही पल में हम पहुंच जाएंगे मंदिर पे दर्शन करने। तो मंदिर के गेट के वहाँ पहुँच गए थे यार, दोबारा फिर वापसी आए हम बैग रखने के लिए, बैग अलाउ नहीं है अंदर। तो फाइनली मोहिंदा ने बैग रख दिया वहीं सिक्योरिटी वालों के पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से अंदर जा सकते हैं। तो मंदिर के गेट से करीब 10-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि भक्तों की इतनी लंबी भीड़ है ना, क्या ही बताऊँ मैं। ये देखो क्या ही बना रखा है मंदिर राम जी का, मस्त सा। हट ये वापसी वाली लाइन है जो उधर से आ रही दर्शन के लिए, दर्शन करके, और ये वाली लाइन है जो दर्शन करने जा रहे हैं। और अभी 23 तारीख है ना, तो अभी जहाँ भी देखो हर जगह सिक्योरिटी पूरी 23 तारीख को। ये बस पहुँचने वाले हैं हम प्रभु राम के चरणों में। तो ये इस गेट से एंट्री होगी अपने अंदर। ये देखो बस पहुंचने वाले हैं प्रभु राम के चरणों में। गेट से अंदर आ गए हम, अभी करने जा रहे हैं श्री राम जी के दर्शन। ये है मंदिर, अंदर फोन अलाउ नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं गेट की तरफ,
पूरा मंदिर का परिसर है, आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा ही मंदिर है। अभी तो इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, आज 23 तारीख है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। जय श्री राम। ये देखो कितना प्यारा मंदिर बना रखा है, आंखों से देखने पे अलग ही महसूस होता है और कैमरे में कुछ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाता, चाहे कितना ही अच्छा कैमरा हो। तो सामने है राम मंदिर और राम मंदिर के जस्ट बगल से ही सनसेट हो रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है सनसेट यहाँ पे। ये श्री राम, उत्साह देख रहे हो भक्तों का। चलिए हम लोग गेट से बाहर आ गए हैं अभी दर्शन करके और अभी हम जा रहे हैं अपने पंचवटी की तरफ। तो मंदिर से बाहर निकलते ही अपने को मिल गया हल्दी वाला दूध, यहाँ पे बट रहा था तो मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा।